हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने विंडोज 10 लैपटॉप और कंप्यूटर में डार्क मोड को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने नोटिफिकेशन बार में आना है और यहां पर आपको सेटिंग वाले ऑल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहां पर आने के बाद आप एक बार अपना विंडोज अपडेट कर लें, और विंडोज अपडेट करने के बाद आपको यहां पर पर्सनलाइजेशन वाले ऑप्शन पर आना है। और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कलर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहां पर आने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, चूज योर कलर। तो यहां पर आपको इस पर क्लिक करना है। और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन दिखेंगे लाइट, डार्क और कस्टम का। तो आप सिंपली यहां पर डार्क वाले ऑप्शन को चूज कर लें। और डार्क वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपका विंडोज 10 डार्क मोड इनेबल हो चुका है। और आप यहां से चाहे तो ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट को भी इनेबल कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने विंडोज 10 लैपटॉप और कंप्यूटर में डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मेरा डार्क मोड इनेबल हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।